हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 से 23 का जो साइंस का रिडक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में सीबीएसई ने बताया हमें कि जो इस साल हमारा बोर्ड्स होने वाला है वो सिंगल पेपर होगा, पिछले साल की तरह टर्म वन टर्म टू नहीं होगा। और जो रिडक्शन है वो हर सब्जेक्ट में दिया गया है। मैं मैथ्स का रिडक्शन का वीडियो अपलोडेड है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे जाके देख सकते हैं। रिडक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए, उन पोर्शंस को आपको नहीं प्रैक्टिस करना होगा। और सिमिलरली साइंस का जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे सिलेबस में रिडक्शन दिया है वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, पैरेलली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन से पोर्शन से ये रिडक्शन हुआ है, ताकि आप इसको बेटर समझ पाए कि ये पोर्शन हट गया है, ये पोर्शन अभी सिलेबस में है। सो लेट अस मूव ऑन। सीबीएसई 10 साइंस रिडक्शंस 2022-2023। तो जो हमारा सबसे पहला चीज है, हमारा जो पूरा सिलेबस है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, रिसोर्सेज। इसमें से जो दो सब्जेक्ट, दो पोर्शन है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग और नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि मोस्टली बायोलॉजी का पोर्शन है, उसमें चेंजेस किया गया है। उसका मार्किंग स्कीम चेंज हो गया है, वो 23 से 25 मार्क्स का हो गया है और ये 7 से 5 मार्क्स का हो गया, तो दो नंबर इधर से उधर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके अलावा मार्किंग स्कीम में कोई चेंजेस नहीं है, बट यस इंटरनल रिडक्शंस गिवन है। तो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड रिलीफ, इस नेचर एंड बिहेवियर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा साइंस का वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें एक्चुअली अगर नोटिस करें तो कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। इसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो हटा दिया है और उसको नेक्स्ट वाले में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो लॉजिकली हम लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जो हम लोग का एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये दो वर्ड यहां इंट्रोड्यूस किया गया जो कि पहले भी था ही। अगर तुम बुक खोलोगे तो तुमको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मिल जाएगा। ये तो बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मिल जाएंगे। बस आपको यहाँ पे खाली अभी नया ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके अलावा इसमें एज सच और कुछ नहीं है। ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पाया जाता है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन, तो इस तरीके से और भी एक दो जगह पे पाया जाएगा। तो यहाँ का इसका जो डेफिनेशन है, हो सकता है बुक में ना गिवन हो, तो उसके लिए आप कोई रेफरेंस बुक से उसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब बुक में गिवन है। जो हमारा सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस, वो रिएक्शन हम लोग को सिलेबस से मतलब फर्स्ट वाले में से हटा के सेकंड वाले में डाल दिया, तो इफेक्टिवली नो चेंज। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेम नो चेंजेस। चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स, पूरा का पूरा आ रहा है, एक वर्ड भी रिड्यूस नहीं किया है। लेकिन चैप्टर 5 पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा हटा दिया है। सो हमारा जो चैप्टर 5 है वो पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। तो चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फुल रिड्यूस्ड। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पूरा आ रहा है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी पूरा आ रहा है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है। रिप्रोडक्शन भी एज इट इज सेम है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन एक्चुअली हटा दिया, मतलब हेरिडिटी तो पूरा आ ही रहा है, डन है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है उसको थोड़ा सा क्या किया है। यहां पर देखो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, तो ये चार टॉपिक हम लोग को हटा दिया, बेसिकली एवोल्यूशन वाला पार्ट हटा दिया, हेरिडिटी वाला पार्ट अभी भी आ रहा है। सो लॉजिकली एवोल्यूशन वाला पार्ट हट गया है, हेरिडिटी अभी भी आ रहा है। सो हेरिडिटी में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हेरिडिटी वाला पार्ट पूरा आ रहा है हमारे। जो हमारा एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है, तो यहां तक तो पूरा आ ही रहा है, एवोल्यूशन हटा दिया है, तो 9.3 रिमूव हो गया। तो पेज नंबर 147-148 दोनों रिड्यूस हो गया। एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स उसी का पार्ट था, वो भी रिड्यूस हो गया। स्पीसिएशन ये भी रिड्यूस हो गया। अब देखो वैसे तो क्या प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्ड रख दिया, लेकिन टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। सो
फॉर जस्ट बेसिक्स मतलब रिस्क फ्री आई वुड एडवाइस ये जो दो टॉपिक्स है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स और दूसरा ये जो स्पीसिएशन इसको एटलीस्ट रीड कर लेना. सो रीड ओनली इस पोर्शन को और सिमिलरली इस पोर्शन को क्योंकि इनका बहुत अच्छे से डिटेल्स नहीं दिया है थोड़ा सा रिस्की है. सो इट्स बेटर टू रीड. पर ये जो एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ये प्रॉपरली हटा दिया गया है ये हमारे सिलेबस में नहीं है. ऑटोमेटिकली ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फॉसिल्स एवोल्यूशंस बाय स्टेजेस एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस. तो ये पूरा पोर्शन हटा दिया. अभी ये जो पूरा रिडक्शन हुआ है ना ये थोड़ा सा डाइसी है बिकॉज जिस तरीके से रिड्यूस किया है वो थोड़ा सा रिस्की है. तो फ्यूचर में जब हम लोग सैंपल पेपर्स रिलीज करेगा उसको स्टडी करेंगे उसमें एवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है उसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे. मेरे हिसाब से पूरा एवोल्यूशन हट जाना चाहिए. मैंने एक दो टॉपिक रीड ओनली लिखा है उसको एक बार रीड थ्रू कर सकते हैं बट ये स्कूल्स में थोड़ा और बेटर समझा दिया जाएगा क्योंकि उनके पास और बेटर अपडेट्स आते हैं. तो सीबीएसई से अपडेट्स आएगा उनके वर्कशॉप्स होते हैं टीचर्स वहां जाते हैं वहां पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये पोर्शन आ रहा है ये नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डिटेल्स पे. मेरे हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली पूरा हटा दिया सिर्फ हेरिडिटी हमारे सिलेबस में. नेचुरल फेनोमेना नेचुरल फेनोमेना में लाइट जो है हमारा पूरा सिलेबस में है. तो जो लाइट है ये पूरा सिलेबस में है. नेक्स्ट जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये भी हमारे पूरे सिलेबस में है एक्सेप्ट एक छोटा सा पार्ट एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. तो अगर हम लोग चैप्टर खोलेंगे तो लाइट का दो चैप्टर है एक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फुल सिलेबस में दूसरा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इसका एक छोटा सा पोर्शन हमारा रिमूव कर दिया गया. लेट अस गो इनटू इट. सो पेज 196 में व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई क्लियर ब्लू. सो एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट तो इसके जस्ट बाद कलर ऑफ सन है सनराइज एंड सनसेट 11.6.3 ये वाला पार्ट रिड्यूस हो गया है. तो ये हम लोग को नहीं करना है. मतलब क्या ही रिड्यूस किया दो चार पैराग्राफ तो इस रिडक्शन का करना नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता. बट हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता था तो अब ये क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं आएगा दैट इज द ओनली एडवांटेज. नहीं तो ये रिडक्शन नेग्लिजिबल है. इफेक्ट्स ऑफ करंट पूरा का पूरा सिलेबस में है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अच्छा रिडक्शन किया है. सो लेट अस गो इनटू इट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फर्स्ट वाला पोर्शन है सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड है सिलेबस में ये पूरा पोर्शन सिलेबस में है. हमारा कहां से काटा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक है. उसके बाद हमारा जो मोटर आएगा इलेक्ट्रिक मोटर यहां से काटना चालू किया है धड़ 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 काटा है तो ये पूरा पोर्शन कट गया. अच्छा एक और ना ये लोग टीचर्स नोट दिया है तो उसको पहले थोड़ा सा आगे जाके पढ़ लेते हैं. The NCERT textbook presents information in boxes across the book. These help student to get conceptual clarity. However, the information in these boxes would not be assessed in the year-end examination. तो काफी chapters में ऐसे box में more to know वाला जो portion होता है वो है दिया हुआ है लेकिन वो हमारे syllabus में नहीं होगा. तो ये exceptionally अलग से इस बार लिखा गया. तो previous year में शायद था शायद नहीं था dicey था हम लोग buffer के लिए करा देते थे बट इस ईयर में स्पेसिफिकली बोला है कि ये हम लोग ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे. इसको जस्ट आप पढ़ के समझना चाहो तो वो बढ़िया चीज है बाकी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. तो ये जितना भी चैप्टर में मोर टू नो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. सो इलेक्ट्रिक मोटर कट गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट गया. तो अगर पेज वाइज जाए तो पेज 322 इलेक्ट्रिक मोटर से 323 भी कट गया 324 भी कट गया 325 भी कट गया 326 भी कट गया. अच्छा 327 से ये जो यहां से स्टार्ट किया है द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट्स इज दैट यहां से आ रहा है. सो ये वाला पोर्शन आ रहा है तो बेसिकली 326 तक कट गया 327 से आ रहा है उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट भी है क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ओवर डीसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट. तो ये सब हमारे सिलेबस में है
बेसिकली ये पोर्शन हम लोग को करना है। तो ये वाला पार्ट करना ही है, ये वाला पैराग्राफ और साथ ही साथ इसके नीचे वाला पोर्शन सिलेबस में है, और बाकी पूरा पोर्शन जो ऊपर का पोर्शन था वो काट दिया। दैट्स ऑलमोस्ट कटिंग द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से फिर कुछ सम्स, मतलब क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी एकदम रिड्यूस हो गया, एकदम हल्के से कुछ क्वेश्चन बचे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है इसको पूरा रिड्यूस कर दिया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी फुल आउट ऑफ सिलेबस। आवर एनवायरमेंट है पूरा का पूरा सिलेबस में, और जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ये भी पूरा का पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है। सो यू कैन सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर 14 हटा दिया, चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी हटा दिया, सिर्फ आवर एनवायरमेंट आ रहा है और उसमें कोई रिडक्शन नहीं किया। तो ये तीन जो बहुत ही बोरिंग चैप्टर थे उसमें से दो हटा दिया, दैट इज प्रिटी गुड। एवोल्यूशन हटा दिया, ये भी एक अच्छा पोर्शन है क्योंकि इसको याद करने में बहुत डिफिकल्टी आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ने बहुत कुछ हटा दिया, तो ये चार मोटा मोटी ऑलमोस्ट चैप्टर हटा दिया। तो अगर हम लोग कंसिडर करें एक दो आधा आधा कर लेते हैं तो तीन पूरा पूरा चैप्टर रिमूव हो गया। उसके अलावा छोटा छोटा रिडक्शन किया, कुछ रिडक्शन एकदम नेग्लिजिबल है, जैसे कि ये सनराइज सनसेट वाला, ये तो बस एक पेज है। फिर यहाँ पे जो हम लोग का रिडक्शन किया, इनफैक्ट रिडक्शन नहीं एडिशन ही किया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो उसके अलावा और कोई रिडक्शन हुआ नहीं है। तो पोर्शन में बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है, पर हाँ कुछ कुछ पूरा का पूरा चैप्टर सफा चट कर दिया, तो वो हम लोग के लिए एडवांटेजेस है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आर वीडियो। इस पोर्शन में हमने पूरा डिस्कस किया क्या क्या आपका टॉपिक रिड्यूस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई डिफरेंट बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें भी ये मार्क कर ले, ताकि आपको कोई ट्रबल नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, वो सिलेबस में एग्जाम में देगा ही नहीं। हाँ ऑब्वियसली अगर आप फ्यूचर में साइंस ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, रिडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, बट एग्जाम वाइज अगर सोचे तो आपको उतना ही लर्न करना है, उससे एक्स्ट्रा लर्निंग जरूरत नहीं है। क्लास जो 10 का हम लोग का मैथ्स का है उसका भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, 9 वाला भी जो हम लोग का रिडक्शन हुआ है वो भी मैंने मैथ्स और साइंस का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, तो आप वहां जाके अगर किसी को 9 का चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।